अगर सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे, अगर सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे, कुछ अधूरी ख्वाहिशें जिंदगी जीने का मजा देती हैं। दोस्त, मेरा नाम हुआ कैशर खान और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त, आज हम बात करने के लिए आए बहुत ही गजब, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक पे, जो है दोस्त खुद को बदले, चेंज योर सेल्फ। यदि आप खुद को बदलेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आप दूसरों लोगों के कहने पे ना रहें, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं ना दूसरे लोगों से मतलब है कि ये चेंज नहीं हो रहा, ये नहीं बदल रहा, ये नहीं ऐसा कर रहा, यानी लोग दूसरे को देते हैं, दोष दूसरे को देते हैं, गलतियां दूसरे की निकालती हैं, लेकिन खुद में बदलाव नहीं करते हैं, खुद में लोग झांक के नहीं देखते हैं। तो सबसे पहले आप अपने अंदर बदलाव करें, क्योंकि जो मैं ये इशारा आपकी तरफ कर रहा हूं ना, तो एक उंगली उधर है और ये चारों जो उंगली हैं ये आपकी तरफ है, ये कह रही है कि सबसे पहले आप बदलें तब दूसरों को देखें। तो दोस्त, खुद को बदलें दुनिया बदल जाएगी। तो इसके उपरांत मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से शेयर करना चाहूंगा। एक बार की बात है, एक राजा होते हैं, वो अपनी प्रजा का जो भी देखरेख होती थी घोड़े से जाते थे और देखरेख के करके आते थे। काफी टाइम ऐसा बीत गया, घोड़े से जाते उनकी समस्याएं हल करके चले आते थे। एक बार उन्होंने सोचा, चलो अपनी प्रजा की जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको चलो आज पैदल टहल के देखते चल के और उनको घूमते चल के। उस टाइम पे जूते नहीं हुआ करते थे, तो राजा जी जब पैदल निकले अपनी जनता की, अपनी प्रजा की समस्याएं सुनने के लिए, समाधान करने के लिए, तो उनके पैर में कंकड़ पत्थर बहुत चुभ गए थे, जिसके वजह से उनके पैर दुखने लगे, दर्द होने लगे और एक जगह पे वो बैठ गए। बैठने के बाद में सोचने लगे कि इस प्रॉब्लम का, इस समस्या का क्या समाधान है, क्योंकि मेरे पैर इस तरीके से दुख रहे, जनता प्रजा चलती होगी उनका क्या हाल होगा। तो उन्होंने सारे मंत्रियों को बुलाया, एक बैठक बुलाई और वहां से सबसे पूछा गया कि इसका समाधान क्या है। तो सब लोगों ने बोला, अपनी अपनी राय दी। कुछ लोगों ने बोला, चलो राजा जी पूरी रोड चमड़े से मढ़वा दी जाए। तो कुछ लोगों ने बोला, इसका बजट बहुत जाएगा, बहुत साधन लगेंगे, कैसे समस्या हल हो सकती है। तब तक राजा के पास एक सिपाही खड़ा था, उसने बहुत ही अच्छा वर्ड बोला कि राजा जी क्यों ना ऐसा किया जाए कि सबके पैर चमड़े से मढ़वा दिए जाए, जब जहां जहां हो जाएगा चमड़ा उसके साथ रहेगा, कम बजट रहेगा, लागत रहेगी। राजा को ये सवाल सुनके बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ, यानी समाधान सुनके बहुत ज्यादा खुश हुआ। क्यों? क्योंकि उसको हल मिल गया था, कम लागत थी, तो इसलिए राजा ने अनाउंसमेंट कर दिया कि जूते बनवाए जाएं। तो दोस्त, यही मैं आपसे कह रहा हूं, चेंज योर सेल्फ, आप खुद को बदले। जो आप संसार को बदलते हुए देखना चाहते हैं, लोगों को बदलते हुए देखना चाहते हैं कि ये ऐसा नहीं कर रहा, ये ऐसा नहीं कर रहा, इसमें ये गलती है, इसमें ये कमी है, तो आप दूसरों को दोष ना दें, आप खुद को बदले। यदि आप खुद को बदलेंगे तो आप ऑटोमेटिक लोग देख के बदल जाएगा। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले आप यदि कामयाब होना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, तो आप अपनी लाइफ को जरूर चेंज करें। ये मेरा बहुत ही प्यारा सा संदेश है, आप इसे फॉलो करें और आगे बढ़ें। चलिए दोस्त, और आप जो भी मेरे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता करे, और लाइक जरूर दबाएं जिससे कि हौसला बढ़े, जिससे कि मैं आगे वीडियो आपको दे सकूं। चलिए दोस्त, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट।